मनीष जी, आजकल किस चीज़ का प्रभार आपके पास? मेरे पास हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी और हिसार का प्रभारी की जिम्मेवारी। आप पिछला चुनाव हार गए, लेकिन अभी भी हरियाणा में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपकी चलती है। आप अपने हिसाब से आकलन करते रहे, परंतु जो पब्लिक का आदमी होगा, पब्लिक में बीच में रहने वाला होगा, वो पब्लिक उसके पास आएगी और पब्लिक आने पर मैं बेशक पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, मैं उनके लिए काम जरूर करता। मेरी एक स्वभाव है, नेचर में है, क्योंकि जो मेरे दरवाजे पर आ जाए तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, तो निराश ना जाए, इसलिए अपनी तरफ पूरी कोशिश होती है कि उसको संतुष्ट करना और अधिकारियों को बात करके उसके काम को निपटाना। ये मेरी नेचर है, क्योंकि जो व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा तो जनता की बीच में एक दूसरे से प्यार बढ़ता है, तो प्यार बढ़ने के साथ वो सत्ता से नहीं, विपक्ष पक्ष दोनों चलते हैं, परंतु जनता की बात को अफसरों तक पहुंचाना, उनका काम कराना, ये मेरे खून में है। अच्छा, ये भी बात आती है कि मनीष ग्रोवर के यहाँ पे मुख्यमंत्री जैसा दरबार लगता है, बड़े बड़े अफसरों को फोन लगा देते हैं। नहीं, मैंने कहा कि बेशक मुझे चंडीगढ़ हो, दिल्ली राजधानी हो, जहाँ भी हो, मुझे संकोच नहीं करता, फ़ोन उनसे बात करके उनके काम को निपटाने की पूरी कोशिश रहती है। मेरा ये नहीं, स्वभाव आया तो दरवाजे से वापस भेज देना। जब मेरे पास कोई सोच कर आता है, आशा लेकर आता है भाई हाँ मेरा काम हो जाएगा, तो मैं उनके लिए ज़रूर प्रदान करता हूँ। अच्छा, इस बार चुनाव हार गए थे आप, वजह क्या लगती है आपको? जो मेरा मानना है कि मैं 5 साल रोहतक की जनता ने दिए थे, और जो जो काम जब से हरियाणा बना है, जब से रोहतक के यहाँ पर सरकार में बैठे हुए लोग प्रतिनिधि थे, उन्होंने जनता के काम नहीं कर पाए जो हमने काम किए, परंतु जो मेरा आकलन है, मैं शायद जनता को ठीक ढंग से समझा नहीं पाया, अपनी बात नहीं रख पाया, इसलिए हो सकता है कि मुझे नकार दिया। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या मानते हैं आप, रोहतक में अच्छा प्रभाव है? देखो, किसी का कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव जनता तय करती है। यही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 8 बार हारा है, आज आप ही कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का एक पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री का एक कद होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज कम नहीं है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़ा बड़ा अपनी विचारधारा को उनकी विचारधारा से हम लड़ते रहते हैं। आप यहाँ पे काम करवाते हैं, फिर विधायक क्या करे? पावर तो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक MLA क्या कर सकता है? नहीं, जनता चुनती है, सवाल पक्ष विपक्ष का नहीं है। 90 के 90 तो पक्ष में हो नहीं सकते, विपक्ष भी होगा। विपक्ष का काम भी होता है लोकतंत्र में जनता की बात उठाना, वो भी क्षमता नहीं होना, क्षमता नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि जो व्यक्ति 24 घंटे जेबों में हाथ डाल के रहना हो, AC से बाहर ना निकलना हो, विपक्ष की भूमिका कभी उन्होंने सोची ना हो, इसलिए उस सत्ता में सवाल चकते रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो जनता की बात कोई उठा पाते हो। विधानसभा में तो खूब मुद्दे उठाते हैं। विधानसभा में भी जो मैंने उनके देखा है, मैं भी दो कल परसों वहीं था, जो बात मुद्दे में दम नहीं उस बात को उठाते हैं। अच्छा, ग्रोवर साहब, राजनीति में कैसे आए आप? मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था, और वहाँ से राष्ट्र के प्रति जुड़ना, राष्ट्र के प्रति सेवा करना, तब से लगा। और 1987 के अंदर जब ताऊ देवीलाल और हमारे नेता डॉक्टर मंगल सेन जी की गठबंधन की सरकार आई थी, डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे नेता थे, उस समय विधायक थे, तो उन्होंने कहा कि आपने नगर पार्षद का चुनाव लड़ना है, तब मुझे राजनीति के अंदर पहला कदम CD का, जो मैं कि सिर्फ बूथ की पर्ची बांटना, चुनाव के टाइम काम करना, 1987 के अंदर मुझे नगर पार्षद वार्ड नंबर 18 से चुनाव मैंने पहला लड़ा, वो जीता। परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? नहीं, मेरे परिवार का, क्योंकि हम मजदूरी में थे, सब लोग गांव से शहर, शहर से गांव आना जाना, अपनी पेट की चिंता रहना, उसके लिए हम काम करते थे, ऐसा कोई परिवार में हमारा नहीं नहीं था। मजदूरी कैसे, थोड़ा बताइए। मजदूरी, पढ़ने जाना,
पढ़ने जाने के साथ विश्वकर्मा स्कूल जाना, वहाँ से जैसे भी स्कूल का समय ख़त्म होना घर जाना, तो रास्ते में काठ मंडी में लक्कड़ के ट्रक थे, उनको लक्कड़ नीचे उतारना, उनके बदले में वहाँ लक्कड़ के बदले में थोड़ी सी लकड़ी मिलती थी, बुरादा मिलता था, वो लेकर आके घर पे जलाते थे। ऐसी स्थिति उस समय थी। तो वहाँ से राजनीति में आने का सपना था या फिर बाई चांस आ गए? नहीं, मैंने कहा कि मेरा सपना कोई नहीं था, मेरा सपना तो इतना था कि हमारी विचारधारा जो भारतीय जनसंघ की थी उस विचारधारा से जुड़ना, कि राष्ट्र के प्रति सेवा करना, उस नाते से मैं राजनीति में आया और 1987 मैंने कहा पहली बार नगर पार्षद बन के गया। अच्छा, किसी MLA की इतनी पहचान नहीं हो जितनी आपकी बन गई, 5 साल में कई सुपर CM भी कहते हैं कुछ लोग। अब ये तो आपका आकलन है। मैंने कहा कि मैं तो बचपन से भी, क्योंकि पब्लिक में बीच में रहना, अब पब्लिक तय करती, हम कहें कि हमारी पहचान बनी, पहचान तो पब्लिक बनाती है, पब्लिक ही नकारती है, पब्लिक ही आगे ले जाती है, इसलिए पब्लिक में 24 घंटे मेरा रहना एक स्वभाव है। ये कोयला, लक्कड़, बुरादा क्या अभी भी जहन में आती हैं कभी? बिल्कुल आती हैं, परिवार में जब बैठते हैं पिछली बातें आती हैं, बच्चों के सामने जिक्र करते हैं, क्योंकि वर्तमान में बच्चों को और पहले के समय बहुत बताता है। हमने कहा भी हमारे बुजुर्गों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने मेहनत की है, तो आप भी मेहनत करके खाएं, इसलिए बच्चों के बीच में चर्चा रहती है इस विषय। अच्छा, पार्टीशन के वक्त ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग कांग्रेस से इतना दूर चले गए, यानी कांग्रेस के अगेंस्ट ही बोलते हैं? उस समय का जब ये बंटवारे का समय हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए दुर्भाग्य था। एक तरफ तो भारत से अंग्रेज चले गए थे क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था, क्योंकि हमारे महान महापुरुषों ने काफ़ी संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद देश के अंदर तिरंगा हमारा लहराज रहा था। इसी बीच में एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के चक्कर में बंटवारा हुआ भारत का। उस बंटवारे में उस समय के नेताओं ने पाकिस्तान को धर्म के हिसाब से भेजा गया और इधर भारत के अंदर हिंदुओं को आने का तय किया गया। परंतु जैसे ही ये बंटवारे की आवाज़ आई, उस समय लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घर से बेघर हुए, तब जिस तरह की इतिहास उस समय का हमारे सामने आया कि एक प्रधानमंत्री कुर्सी के चक्कर में कांग्रेस ने हमारे लाखों लोगों को, हिंदुओं को मरवाया, तब से कांग्रेस से हम लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक कुर्सी के लिए इतने लोगों को मरवाना, ये हिंदू समाज आज तक भूला नहीं है। आपका परिवार भी इसकी चपेट में आया? आया, मेरे मामा जी राम प्रकाश जी, उनकी डेथ हुई वहीं, उनका हत्या हो गई, और मेरे पिताजी 3 साल जलंधर कैंट में रहे, मेरी माता जी 3 साल अम्बाला कैंट में रही, 3 साल मिलना बाद मिला। उस समय की स्थिति बड़ी चिंता, और आज जीते ये कैंप का इलाका है, यहाँ के हम सब लोग बसे, और फिर यहाँ का आपने फिर समर गोपालपुर गए, मामा जी हमारे समर गोपालपुर, परिवार सारा, मारिय मासी सब वहीं थे, समर गोपाल से फिर यहाँ के काम धंधा शहर में आके करते थे। पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी मजदूरी करते थे, लेबर करते थे, पिताजी के साथ हम लेबर करके बंटवाते थे। 4 भाई थे, हैं 2 बहनें। नहीं, जो आपकी लाइफ थी और अब लाइफ बनी है, लगता कि जो फिल्मों में होता आमतौर पर इस तरह से नहीं, नेचुरल समय के हिसाब से बदलता तो है, उस समय की स्थिति, पुरानी स्थिति, वर्तमान समय, अब पुरानी स्थिति को बार बार उसको बोझते रहे, कोसते रहे, वो नहीं, जो बीत गया उसको भूल जाएं और वर्तमान में जो कर सकते हैं वो करें। आज समाज मिलकर हमें प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसलिए इससे बड़ा, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? कभी लोगों को समझा दिया आपने जो पिछली बार कुछ मानते हो आपकी गलती है, लोग समझ नहीं पाए आपको? या समझ, हाँ, आप आकलन करें, लोग कह रहे हैं कि गलती हुई हमारे से, फिर से मैदान में आओ, पार्टी तय करेंगे। मैं कभी भी आज तक ना तो चुनाव के लिए कभी टिकट मांगी, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता, जो संगठन तय करता वो करता।